नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे आज के वीडियो में कि इनहेलर जो लेते हैं जो सांस के मरीज जिनको एस्थमा है, सीओपीडी है, सांस की कोई दिक्कत है, उनको इनहेलर जब हम प्रेस्क्राइब करते हैं, जब इनहेलर देते हैं, तो इसके लेने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। इनहेलर को सबसे अच्छा होता है कि आप इस तरह की एक मशीन आती है मार्केट में, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसर। तो इस स्पेसर में इसको लगा के लेने का तरीका सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इससे आपको क्या होता है, ये दवाई अच्छी मात्रा में फेफड़े तक पहुंचती है, जिससे आपको सांस में आपको अच्छे से आराम मिलता है। तो आज हम यही देखेंगे कि इस इनहेलर को, ये जो इनहेलर आप देख रहे हो, इसको इस स्पेसर, इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं स्पेसर, इस मशीन को लेने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनहेलर हमें मालूम है कि इसके ये जो है इसके अंदर दवाई होती है, और इसमें आप खोल के इसमें चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी आप इनहेलर लें, तो अपना इनहेलर से ऐसे एक पफ आप इधर आप देखो, एक पफ निकाल के चेक करना चाहिए कि इसके अंदर दवाई है कि नहीं है। यहाँ पे काउंटर भी वैसे लगा होता है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इनहेलर को यूज करने से पहले आपने चेक कर लिया निकाल के कि इनहेलर की दवाई है कि नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको शेक करना, इसको हिलाना आपको बहुत जरूरी है। कम से कम 20 से 25 सेकंड, 1 मिनट तक आप इसको हिलाइए, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसके अंदर दवाई होती है, वो दवाई पूरी मिल जाती है। इनहेलर को इस्तेमाल करने से पहले इसको शेक करना बहुत जरूरी है। ऐसे आप तो शेक करेंगे, ठीक है, फिर इसका आप ढक्कन खोल लें। ये जो जगह है, ये जो एरिया है स्पेसर का, यहाँ पे इसको आपको अटैच करना होता है, यहाँ पे आपको जोड़ना होता है। ये आपने इसको फिक्स कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने फिक्स कर लिया। उसके बाद ये इसको बोलते हैं माउथ पीस। यहाँ से आप क्या करेंगे, सांस अंदर लेंगे, ठीक है। पहली बार यदि आप दवाई ले रहे हैं तो एक पफ आपको एक बार इसको प्रेस करना है, दवाई या आप इसको चैम्बर में आ गई, इसके स्पेसर के चैम्बर में दवाई आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आप क्या करना है, आपने ठीक है इसको आपने जोड़ लिया। उसके बाद ये माउथ पीस है, माउथ पीस को दांत से पकड़ना है और होठों से सील बनाना है, ठीक है। ठीक है, जब ऐसा बना ले उसके बाद आप इसमें एक पफ, एक बार में एक पफ, एक बार में आप एक बार ही दबाना है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ठीक है, इसमें एक पफ आपने दवाई डाली और यहां से आपने सांस लिया, धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लिया और 10 सेकंड तक आपने इसको रोक के रखा। 10 सेकंड रोक के रखते हैं ताकि जो दवाई है फेफड़ों में चली जाए, ठीक है। तो एक पफ लेने का तरीका यह है। यदि हम दोबारा से एक और पफ यदि हम लेना चाहें तो सेम तरीका हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे के सारे जो स्टेप जो हमने शुरू में किए उसको प्रॉपर हमें वैसे ही यूज करना है, यदि हमें दो पफ लेना है तो। जिनको यदि ज्यादा सांस फूलती है, जैसे मान लीजिए आपको सांस की दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप जैसे स्पेसर में सांस ले रहे हैं, फिर मैंने क्या किया था, स्पेसर हटा दिया था, आप क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर भी सांस ले छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने एक दे दिया, एक पफ इसमें रिलीज कर दिया, फिर आपने यहीं पे तो 5 बार आप इसी में सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये उन मरीजों के लिए लाभप्रद होता है जिनको बहुत ज्यादा सांस फूल रही है। सो उस केस में क्या करना होता है, आपने स्पेशल दवाई इसमें डाली, दवाई एक पफ दबाया आपने और इसी के थ्रू, इस लेजर के थ्रू आप जो है सांस ले सकते हैं ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि जो दवाइयां हैं, कई बार यदि आप ब्रेथ होल्ड नहीं कर पाते, सांस यदि आप रोक नहीं पाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप इसके थ्रू भी सांस ले सकते हैं, उसमें भी ये लाभदायक और कारगर सिद्ध होता है। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना जो इनहेलर है स्पेसर के साथ लें, लेने का सही तरीका सीखें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको दवाई लेते रहेंगे और आपको आराम नहीं आएगा, ठीक है। सो प्रॉपर तरीका इसका लेने का आपको सीखना है इनहेलर और स्पेसर के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव है, तो आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में और जिनको भी इसकी जरूरत है उनमें आप इनको शेयर करें और सबको जागरूक करें। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।